हम सब ने अपने रबी फसल और अरहर फसल की कटाई कर ली है, बस अब उसका दाना झाड़ना है और फिर उसे बाजार में बेचेंगे। हमारी उपज सही दाम में नहीं मिल पाता है, कहीं दूसरे किसान सही दाम में हमसे सही दाम में अरहर को बेच लेते हैं। अरहर सरसों आदि फसल झाड़ लेने के बाद उसे हम बेच देते हैं। कभी कभी घर में रख कर ही दाना को घर में रख कर ही जरूरत के अनुसार बाद में बेच लेते हैं। बाजार में बेचने से पहले या भंडारण करने से पहले हमने दानों की छटाई तो कभी नहीं की थी। नमस्कार। किसी भी किसान के महीनों की मेहनत तब सार्थक होती है जब वह अपने फसल की उपज को अच्छे दाम पर बेच पाता है और उसकी अच्छी आमदनी होती है। किसान को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए यह ज़रूरी होता है कि वह अपनी फसल की कटाई और दवनी के बाद उसकी अच्छे से छटाई भी कर ले तथा उसमें से खराब दानों और अन्य अवशेषों को हटा दें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे फसल की कटाई के बाद हम उसके दानों की छटाई और ग्रेडिंग करें। फसलों की कटाई के बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है जिससे कि फलियां और दाने अच्छी तरह से सूख जाएं और फिर इन्हें डंडे से या फिर बैलों के द्वारा दवनी करके दानों को अच्छे से झाड़ लिया जाता है। दानों में अभी भी पर्याप्त नमी होती है और इसके साथ उनमें कुछ खराब दाने या अन्य अवशेष या भूसियाँ भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने फसल को बेचते हैं तो हमें उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता और साथ ही इसका भंडारण भी नहीं किया जा सकता है। खराब दानों को पहचानना बहुत ही आसान होता है। ये अन्य दानों की तुलना में बहुत छोटे होंगे, अन्य रंग के हो सकते हैं, साथ ही कटे फटे या फिर कीड़ों द्वारा खाए हुए होते हैं। सबसे पहले सूप से फटकते हुए खराब दानों और भूसी को हमें अलग कर लेना चाहिए। इसके बाद भी जो खराब और छोटे दाने होंगे उन्हें उचित छलनी के माध्यम से छानकर या चालकर हटा लेना चाहिए। इस छटाई के क्रम में आकार और गुणवत्ता के आधार पर हम दानों को अलग अलग करते हैं, जिसे ग्रेडिंग कहा जाता है। अच्छी गुणवत्ता या अच्छे ग्रेड के अनाज को हम लंबे समय तक रख पाते हैं, साथ ही उनका बेहतर मूल्य भी हमें मिलता है। पूरी छटाई की प्रक्रिया के बाद हमें अच्छे दाने या बीज मिल जाते हैं। इस तरह के उत्पाद का हमें बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। फसल के दानों को लंबे समय तक रखने के लिए उन्हें इसे नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से भी सुरक्षित रखना होगा। अनाज के अंदर की नमी और वातावरण की नमी दोनों की ही अधिकता अनाज को खराब कर सकती है। अनाज को बाजार में बेचने से पहले उसकी सही तरीके से छटाई और ग्रेडिंग करके सभी किसान इसका बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अनाज के भंडारण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है।